लगा देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में कि ईएन जो आ रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, जितना स्ट्रॉन्ग होगा लिगेंड डेल नॉट का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और डेल नॉट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा करते हैं, तो डेल नॉट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा लैम्डा कम होगा। तो यहाँ पे डेल नॉट का वैल्यू किसके ज्यादा था फर्स्ट के लिए ईएन के केस में, दैट मीन लैम्डा का वैल्यू सबसे कम क्या होगा इसमें होगा, सबसे कम इसका देन NH3, देन CH3। यहाँ पे वेवलेंथ का सबसे कम फर्स्ट में, फिर सेकंड में, और थर्ड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो क्लियर है कंसेप्ट। ये चीजें याद रखना है कि जो SFL होता है स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसके लिए डेल नॉट का वैल्यू ज्यादा, और डब्ल्यू के लिए डेल नॉट का वैल्यू कम, और बाकी ये रिलेशन पता भी यहाँ पे है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। यहाँ पे कलर वाला, ये भी कुछ कलर से रिलेटेड है, वेवलेंथ वहीं से आ रहा है, कैसे रिलेट करना है वहां पे। एक और क्वेश्चन है इसमें, NM2 प्लस आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन साथ में नोट करते जाए, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस MH2O 6+2, कोई भी मेटल है यहाँ पे रेंडम सा, एम EN5+2 एंड MBr6 -4, मैच द कॉम्प्लेक्सेस, मैच द कॉम्प्लेक्स विद एप्रोप्रिएट कलर, विथ एप्रोप्रिएट कलर एमंग ग्रीन ब्लू एंड रेड। कौन से कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर आएगा, तीन कॉम्प्लेक्स इवन है, तीन कलर मेंशन कर रखा है ग्रीन ब्लू रेड, किस कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कलर कोऑर्डिनेशन का जो मैंने कल एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर का एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था उसको समझने के, इसमें सोच के बता, कोई अगर बता सकते हो आंसर भी इस टाइप से बता सकते हो तो। सर हाँ बताओ। सर फर्स्ट वाले का ब्लू, सेकंड वाले का रेड और थर्ड वाले का ग्रीन। फर्स्ट वाले का ब्लू और ब्लू, रेड और ग्रीन। ब्लू रेड, फर्स्ट वाले का तुम क्या बता रहे हो ब्लू, देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। ब्लू एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना था, MH2O6 MH2O6 2+ N3+ है, ये चार भी समय से है ना H2O का, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बाकी लोग भी सोचो, बहुत हद तक सही है उसमें, फर्स्ट का तो क्या रहेगा उसमें ब्लू, बाकी का देखते हैं क्या रहेगा उसमें। इसको मैं नंबरिंग कर दूंगा, यहाँ पे सब लोग सोचो क्या रहेगा यहाँ, तो 1 2 और ये क्या हो इसमें 3। तो बताओ चैट में बताओ इसमें फर्स्ट से कौन मैच करे उतना बता सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट से ग्रीन या सेकंड से ब्लू, थर्ड से रेड, इस टाइप से आंसर बता सकते हो। फर्स्ट का ब्लू, सेकंड का ग्रीन, थोड़ा सा और सोचो इसमें, सबके अलग अलग आ रहे हैं, अपूर्वा का आ रहे हैं ग्रीन ब्लू रेड। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक्चुअल जो कलर कॉम्प्लेक्स का कलर होगा वो बताना है वहां पे, और कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर दिखता है जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जो एब्जॉर्ब करते टाइम आता है वो नहीं, जो इमिट करता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है एक्चुअल में, जो एब्जॉर्ब होता है मुझे उसका पता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग इमिट में गेस करते हैं वहां पे कि कौन सा कलर वो इमिट कर रहा होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा उसका। चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, देख लोगे यहाँ पे सब लोग, सोचने का तरीका क्या होगा यहाँ पे है,
सबसे पहले अगर मैं डेल नॉट के वैल्यू की बात करूँ, यहाँ पे सब क्वाड्रेंट नंबर सिक्स ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, तो डेल नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा किस कॉम्प्लेक्स के लिए होगा यहाँ पे? सेकंड का, सेकंड सेकंड के बाद फर्स्ट, और जो हैलाइड है वो तो सबसे लास्ट में, ब्रोमीन वो थर्ड। इसमें तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे है कि जो डेल नॉट का वैल्यू है सेकंड का सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। अब यहाँ पे देखना है कि जो लैम्डा एब्जॉर्ब होगा वो किसका सबसे ज्यादा, तो रिलेशन अभी ऊपर लिखा हुआ है कि डेल नॉट एच सी अपॉन लैम्डा इन द प्रोपोर्शनल, वो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? चलो कुछ अभी बता रहे हो, इसमें रेड ग्रीन ब्लू, थोड़ा सा और करेक्ट करो उसमें वहां पर। ब्लू रेड ग्रीन चैतन्य के आ रहे हैं, सही है। उसमें देखते हैं क्या रहेगा, तीनों का सही भी आ रहा है। सोचने का तरीका क्या है, जो भी आ रहा है यहाँ पे देख लो ध्यान से कि लेमडा क्या रहेगा इसमें, ये अपने आप निकल जाएगा कॉम्प्लेक्स देख करके, लेमडा एब्जॉर्ब निकल जाएगा इस केस में यहाँ पे। अब देखना है इस केस में यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मैंने एक बनाया था कल, एक स्टेप्स है, इसको ध्यान से देख लोगे अभी और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पे यहाँ पे क्या था, वी आई डिप जीरो डी वाई ओ आर। अब सोचना था यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना था जो लैम्डा एब्जॉर्ब है, दैट मीन्स वो सबसे कम किसके लिए है यहाँ पे है, सेकंड के लिए। तो सबसे कम किसके लिए रहेगा यहाँ पे, लैम्डा वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब वो सबसे कम किसके लिए, सेकंड के लिए। तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है यहाँ पे, डिप जीरो, तो सबसे कम वेव इसका जैसे इधर जा रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम किसका आ गया, डी आई के लिए। दैट मीन सेकंड यहाँ पे आके देख लोगे यहाँ पे, ये क्या है सेकंड, सेकंड वेवलेंथ सबसे कम किसका, डी आई का। अब यहाँ पे सेकंड, तो सेकंड एक्चुअल ये जो डी आई आ रहा है वायलेट एंड इंडिगो, ये कलर कॉम्प्लेक्स का नहीं दिखेगा, ये तो किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे है, लैम्डा एब्जॉर्ब आ रहा है यहाँ पे, लैम्डा एब्जॉर्ब, ये तो एब्जॉर्ब वाला है यहाँ पे। मुझे जो दिखेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा आ रहा है यहाँ पे है, येलो, येलो तो ऑप्शन में ही नहीं यहाँ पे है। दैट मीन्स वी आई जो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ जो सेकंड का आ रहा था वो, ये तो नहीं होगा, वी आई नहीं होगा, फिर और शिफ्ट होते सेकंड, अभी सेकंड को यहाँ पे नहीं आ रहा था येलो तो ऑप्शन में ही नहीं, फिर सेकंड को इधर ले आया। डी आई के बाद किसका वेवलेंथ मतलब स्लाइटली बी का ज्यादा होगा, फिर ब्लू वाले का, तो फिर बी पे आ गए, तो सेकंड यहाँ पे ले आया, तो सेकंड अगर यहाँ पे आ गए, आ गया है तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या दिखेगा, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री, दैट मीन्स ये ऑरेंज, ऑरेंज भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो अब क्या करेंगे और आगे जाएंगे, ये क्या रहेगा यहाँ पे ग्रीन, हो सके ग्रीन का यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है वेवलेंथ बाकी येलो ऑरेंज और रेड से, तो ग्रीन पे आ गए, ग्रीन यहाँ से डिसाइड नहीं हो पा रहा सेकंड का, यहाँ से भी नहीं, तो ग्रीन पे आ गए, तो ग्रीन का वेवलेंथ इस तीनों से कम है अभी भी, तो ग्रीन का वेवलेंथ अगर सेकंड मान लेते हैं इसको, जिसका वेवलेंथ कम था, तो ग्रीन पे कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा कलर दिखेगा, अब यहाँ पे रेड, रेड ऑप्शन में आ रहा है, दैट मीन्स जो सेकेंड है स्ट्रक्चर उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा मुझे, और वो कलर क्या है यहाँ पे, रेड, तो सेकेंड का क्या होगा, रेड। फिर नेक्स्ट देखें लैम्डा किसका ज्यादा था, फर्स्ट का यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा तो ग्रीन का यहाँ तक आ चुका है, अब ये क्या होगा यहाँ पे, येलो, येलो के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे इस केस में, येलो के रेस्पेक्ट में वेवलेंथ आ रहा था यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ रहा है यहाँ पे, वायलेट या इंडिगो, ये ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वेवलेंथ किसका रहेगा ज्यादा, ऑरेंज का, दैट मीन्स फर्स्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो ऑरेंज आ रहा है यहाँ पे, ऑरेंज तो वेवलेंथ इसका एब्जॉर्ब कर रहा है विजुअल रीजन में, एक्चुअल में जो दिखेगा वो कैसा कलर दिखेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो कि यहाँ पे बी आ रहा है, इसके यहाँ पे तो बी का मतलब क्या आ गया, वो ब्लू, तो सेकेंड ये फर्स्ट का जो आ रहा है इसमें, अब तो
क्या रहेगा ब्लू, हम इसके एस्पेक्ट में देख रहे हैं। और थर्ड का, तो थर्ड का जो होगा ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका रहेगा यहाँ पे, आर का। आर के कम्प्लीमेंट्री, आर तो उसका एब्जॉर्ब लाइट है, उसका जो इमिट वाला लाइट है कम्प्लीमेंट्री, वो क्या मिलेगा तुम्हें, ग्रीन। ये ग्रीन यहाँ पे आ रहा है इसके सामने, यहाँ पे ये थर्ड क्या आ जाता है इसमें ग्रीन। तो सेकंड का रेड, फर्स्ट का ब्लू, थर्ड का ग्रीन। बताओ किन्हीं को कोई डाउट हो इसमें, इस क्वेश्चन में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, किन्हीं को कोई डाउट हो या पूछ सकते हो। सर फिर से बताओ एक बार। इसमें देखना यहाँ पे ये था कि सबसे पहले लैम्डा ये डेल नॉट हम डिसाइड कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा कर दिए, एब्जॉर्ब वेवलेंथ आ गया। यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम किसका है, सेकंड के लिए, जिसके लिए डेल नॉट सबसे ज्यादा उसके लिए वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम, और इसके लिए वेवलेंथ एब्जॉर्ब कम है। तो वेवलेंथ कम किसका होता है, वायलेट इंडिगो के लिए। ये तो पता होना चाहिए, पढ़ रखे हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वायलेट इंडिगो के लिए सबसे कम वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ वाला जो यहाँ पे सेकंड आ रहा था, तो विब्जियो भी आई के जो कम्प्लीमेंट्री कलर देखेगा येल्लो, इसके जस्ट सामने इधर यहाँ पे येल्लो तो ऑप्शन में ही नहीं। फिर ब्लू पे गए कि ब्लू हो सकता है वहां पे, तो ब्लू के कम्प्लीमेंट्री कौन सा दिखेगा वहां पे तुम्हें, ऑरेंज, वो भी ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे ग्रीन ब्लू रेड में। अब यहाँ पे क्या आ गया ग्रीन, तो ग्रीन का जो वेवलेंथ है येल्लो ऑरेंज और रेड से कम आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग सेकेंड को ग्रीन पे रखते हैं यहाँ पे, इसका वेवलेंथ कम है। अब सेकेंड का जो वेवलेंथ कम है, एक्चुअल में ये ग्रीन नहीं दिखेगा, एक्चुअल में क्या दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, इसका कम्प्लीमेंट्री कलर होता है, इसका वेवलेंथ कम है जो कि ग्रीन का यहाँ पे है, इसके कम्प्लीमेंट्री कलर कौन दिखेगा, आर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका वेवलेंथ कम आ रहा था, उसका एक्चुअल में कलर क्या होगा, रेड, क्योंकि ग्रीन के सामने ही क्या आ रहा है, रेड। यहाँ पे ग्रीन का ही वेवलेंथ क्या आ रहा है, सबसे कम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्या आगे यहाँ पे आगे गए वाई, वाई के सामने को वाई जो कलर आ रहा है जिसका वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा है यहाँ पे, वो क्या वायलेट और इंडिगो, इसके कम्प्लीमेंट्री कलर वायलेट और इंडिगो मैच नहीं कर रहा है। फिर और आगे गए ऑरेंज पे, ऑरेंज पे जब गए जिसका वेवलेंथ अब सिर्फ रेड से ज्यादा है, येलो से ये रेड से कम और येलो से ज्यादा है ऑक्सीजन ये ऑरेंज, और ऑरेंज के सामने क्या दिखेगा, कम्प्लीमेंट्री ब्लू, दैट मीन्स फर्स्ट का क्या हो जाएगा ब्लू, और थर्ड का जो सबसे लास्ट में जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ ऑरेंज तक तुम आ ही गए थे, उससे ज्यादा किसका है रेड का, तो रेड का कम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा इसमें, ग्रीन, ये ग्रीन आ जाता है यहाँ पर। इस टाइप से सोचना पड़ा यहाँ पे कलर कैसे डिसाइड करते हैं। बाकी नीट में एक दो क्वेश्चन और भी पूछा गया है, तो खुद से सॉल्व करो, एक नीट का मैंने क्वेश्चन कराया रेंडम से, एक क्वेश्चन था इस टाइप का, कोई भी क्वेश्चन आता तब सोच सकते हो यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे ये जो कम्प्लीमेंट्री कलर का व्हील ड्रॉ करता है तो उसको कैसे यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इसका जो रीजन था कि कोई कॉम्प्लेक्स अगर कलर शो कर रहा है, उसका मेनली रीजन क्या यहाँ पे है, डीडी ट्रांजिशन, जो कि यहाँ पे पैरामेटिक, मैंने पिछले क्लास में लिखाया था कि पैरामेटिक कंपाउंड अगर कलर शो करता है उसका मेनली रीजन क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन। नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्वेश्चन नोट कर लेंगे सब लोग वहां पे। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा था कि डी नौ, डी जीरो और डी टेन, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बार ये कन्फिग्रेशन आ रहा है, डी जीरो या डी टेन, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें यहाँ पे, जीरो, और अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जनरली कलर कलरलेस रहता है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या होगा वहां पे डायमेट्रिक, और वो क्या होगा जनरली कलरलेस। फिर भी अगर कुछ कंपाउंड कलर शो करता है, इफ कंपाउंड शो कलर then its region
देन इट्स रीजन इज ट्रांसफर चार्ज ट्रांसफर इट्स रीजन इज चार्ज ट्रांसफर. मैंने कल दो दो पॉइंट बताया था चार्ज ट्रांसफर एंड डीडी ट्रांजिशन. अगर कोई कंपाउंड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो आ गया तो वो क्या रहता है कलरलेस रहता है. ऑप्शन में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया नीट में. चार ऑप्शन दे दिया गया है उसमें पूछा गया कौन सा कलरलेस है. उसमें क्या चेक करोगे उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो. अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जीरो होती है. यहाँ पे डी जीरो डी टेन है ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्ट्रॉन क्या होगा जीरो. और अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो आ रहा है यहाँ पे तो क्या होगा जनरली कलरलेस. फिर भी अगर कलर शो करता है तो उसका रीजन क्या होता है चार्ज ट्रांसफर. और इसके एग्जांपल में चार्ज ट्रांसफर क्या होता है तो उसको स्टेटमेंट लिखोगे पहले चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ चार्ज कंप्लीट सेंटेंस बना करके लिखो चार्ज ट्रांसफर में इन सम कॉम्प्लेक्सेस इन सम कॉम्प्लेक्स कलर इज अब्सॉर्ब्ड इन स्पाइट ऑफ In spite of no unpaired electron, no unpaired electron because of transfer of charge from the ligands to the central metal. उसका रीजन क्या होगा चार्ज ट्रांसफर. मतलब अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है फ्रॉम लिगेंड्स टू सेंट्रल मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है. और इसका एग्जांपल अगर देखोगे MnO4- Cr2O7 2- CrO4- 2. यहाँ पे सबका Mn का ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पे सबका निकाल के देखो. Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सेवन क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स यहाँ पे प्लस सिक्स. तो प्लस Mn प्लस सिक्स में D में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा कॉन्फिगरेशन सोच के देखो. D ऑर्बिटल में क्रोमियम प्लस सिक्स में D में कितना इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा D जीरो D जीरो और ये भी क्या हो जाएगा D जीरो डी जीरो डी जीरो डी जीरो ये जीरोक्स कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे फिर भी ये कलर शो करता है. इसका रीजन क्या रहता है चार्ज ट्रांसफर. किस कलर का होता है MnO4 जो होता है माइनस पर्पल Cr2O7 ऑरेंज ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे CrO4 माइनस टू येल्लो. बट ऐसा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड जनरली नहीं पूछा जाता यहाँ पे. मैं क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाएगा अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है तो फिर उसमें बताना है. वहां पे जनरली अगर क्वेश्चन आता है कौन सा कंपाउंड कलरलेस है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के बता सकते हो सिंपली वहां पे. बट ये तुम लोग एक्स्ट्रा पढ़े हैं अभी यहाँ पे कुछ कम्प्लेक्स जो रहता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो के बावजूद भी वहां पे क्या रहता है कलर शो करता है. तो उसका रीजन क्या होता है चार्ज ट्रांसफर. ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहे हैं. इसका एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा हुआ है. चलो तो कलर कोऑर्डिनेट कलर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आता है कॉम्प्लेक्स का वो सारा सॉल्व कर सकते हो. देखो इसका एक अलग सेक्शन ही है तुम लोगों में कलर इन क्वाड्रेंट कंपाउंड उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करो. नेक्स्ट सेक्शन है इसमें लास्ट सेक्शन आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म वाला सेक्शन आज हम लोगों को पढ़ना था. ये तुम लोग कल ही पढ़ चुके थे. तो
नेक्स्ट यूनिट डालोगे इसमें आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही रहता है, आइसोमेरिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो भी सेक्शन हो चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसको होमवर्क करना शुरू करो, ऐसा नहीं कि फिर बाद में बोलो सर एक ही दिन बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया, सारा सेक्शन हो गया एक्सेप्ट दिस सेक्शन आइसोमेरिज्म एंड मेटल कार्बोनिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं आइसोमेरिज्म, वहां पर भी क्या था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और हिस्ट्री आइसोमेरिज्म, यहाँ भी दो टाइप का रहेगा। तो फर्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब मैं सबको डिफाइन नहीं कर रहा यहाँ पे, सबका पता है कि स्ट्रक्चरल हिस्ट्री क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अब यहाँ पे देखना था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा पार्ट रहा था, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या था, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या था कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप आर डिफरेंट, तो फार्मूला जो ये डिफिनेशन है वो ऑर्गेनिक वाला ही यहाँ पे भी रहेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फर्स्ट आइसोमेरिज्म है यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही आसान सा पार्ट रहता है। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इट अराइजेज, एक पॉइंट बस नोट करना था यहाँ पे, इट अराइजेज व्हेन अ लिगेंड इज एक्सचेंज विथ is exchanged with counter ion या ionization, इस पर बोलते हैं with counter ion, present in ionization sphere, ionization sphere। एक पॉइंट और लिख लो इसमें, दीज आइसोमर्स गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स, दीज आइसोमर्स गिव डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखना था इसका एग्जाम्पल, तो बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे मैंने दो CO, देखोगे CONH3 कोई भी एग्जाम्पल हो, यहाँ पे 4 Cl2 Br एंड CONH3 4 Cl Br Cl। अब यहाँ पे सोचना था इस केस में, इस वाले पार्ट को लोग क्या बोलते थे, जो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट का अंदर का पार्ट था इनर पार्ट, उसको लोग क्या नाम देते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सही है, ये क्या था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का जो पार्ट था उसको क्या बोलते थे, यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर। सही है, आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन, ये क्या था, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो नेम से ही क्लियर है वो क्या था, आयोनाइजेशन स्फीयर। That means, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में आयन पहले से प्रेजेंट है उसका अगर एक्सचेंज हो जाए, इट अराइजेज व्हेन अ लिगेंड इज एक्सचेंज विद काउंटर आयन, यहाँ का जो लिगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट पे इनसाइड है उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड, इसका यहाँ पे जो काउंटर आयन है Br को क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड क्या है, अब यहाँ पे Cl, यहाँ पे जो लिगेंड और जो काउंटर इसमें अगर एक्सचेंज हो जाए
इस बीआर को अंदर ले आया गया और ये क्लोरीन को बाहर ले आया गया यहाँ पे। इसके कारण जो आइसोमेरियम एराइज होता है उसी को क्या बोलते हैं लोग, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पे अभी वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो काउंटर आयन है उसका अगर एक्सचेंज लिगेंड्स के साथ कर दिया जाए उससे जो एराइज होता है, जो नया फॉर्म बनता है, उस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर का। कनेक्टिविटी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का, तो वो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल से दो दो क्लोरीन कनेक्टेड होगा और यहाँ पे सेंट्रल मेटल से एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन कनेक्टेड, बाकी तो अमोनिया तो है ही, तो एटम्स या ग्रुप का कनेक्टिविटी डिफरेंट हो रहा है, दैट मींस ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, आयोनाइजेशन, क्योंकि जो आयोनाइजेशन स्फीयर का आयन्स था वो एक्सचेंज हो रहा है लिगेंड्स के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल PtCl2 एग्जाम्पल, अब कितना भी मैं ले लो बाकी लॉजिक यही है इसमें, NH3 4Br2 एंड PtBr2 NH3 4Cl2। इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन देखोगे तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगेंड क्लोरीन है और यहाँ पे लिगेंड क्या बन गया, ब्रोमीन। इसका जो काउंटर आयन था अब वो लिगेंड बन गया यहाँ पर, और इसका जो लिगेंड आ रहा था इस कॉम्प्लेक्स का वो काउंटर आयन बन गया। तो किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, लिगेंड एंड काउंटर आयन। इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे, आयोनाइजेशन स्फीयर, सॉरी आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे? सर हाँ बताओ। सर हम इस वाले एग्जांपल में दो Cl2 की जगह पे एक ही Cl अगर एक्सचेंज करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल तो वो भी चलेगा, बिल्कुल वो भी आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। एक क्लोरीन को बाहर के और एक ब्रोमीन को अंदर लाए, वो भी क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रखना है, एक क्लोरीन को बाहर लेके और एक ब्रोमीन को अंदर लाए, वो भी जो एराइज हो रहा है वो भी दोनों का क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? बहुत ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, तो क्लियरली दिख जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और जो काउंटर आयन था इसमें अगर एक्सचेंज हुआ लिगेंड्स और काउंटर आयन में तो क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट है इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये बहुत ही आसान सा पार्ट है, देखते जाओगे सब लोग यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा समझना रहेगा जब हिस्ट्री आइसोमेरिज्म आएगा इसका, ये तो स्ट्रक्चर आइसोमर, ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट बहुत ही आसान था। आई होप नोट भी कर लिया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट ही बोल सकते हैं इसको यहाँ पे। ये भी कुछ नया नहीं है, ये आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन आइसोमर्स का ही एक स्पेशल केस होता है यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन विच वाटर H2O इज एक्सचेंज विथ काउंटर आयन अब इसका एग्जाम्पल देखना है, देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था कि कोई भी काउंटर आयन एक्सचेंज हो जाता था, यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन विच वाटर इज एक्सचेंज विथ काउंटर आयन, यहाँ पे वाटर एक्सचेंज होगा।
एग्जांपल की बात करें यहाँ पे CO H2O 6, और यहाँ पे क्या हो Cl3। अब इसका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए एंड CO H2O 5 Cl और ये क्या यहाँ पे Cl2.H2O, या फिर एक और यहाँ पे ले लो गए एंड को हटा दो, इसी में साथ में एक और ले लेता हूँ यहाँ पे CO H2O 4 Cl2, एक ही Cl को बाहर रखो यहाँ पे है .2H2O। अब इस तीनों कॉम्प्लेक्स में रिलेशन बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो क्या रहा है, वाटर, सिंपल रहा। यहाँ पे पिछले केस में कोई भी लिगेंड्स ले रहे थे, यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो क्या हो, वाटर हो, और यहाँ पे जो वाटर और जो कॉन्टाइन में प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्टाइन जो है उसमें अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 रखना, अगर ये 6 है तो दूसरे में भी 6 रहेगा। यहाँ पे एक क्लोरिन को लिगेंड्स बना दिया गया और एक लिगेंड जो वाटर था उसको कॉन्टाइन में बाहर लाया गया यहाँ पे। दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का। अब इसमें सेकंड और थर्ड की भी बात करें, इसमें यहाँ पे एक ही क्लोरीन लिगेंड्स की तरह आ रहा था, यहाँ पे दो दो क्लोरीन आ गया, 5 वाटर लिगेंड्स था यहाँ पे जबकि यहाँ पे 4 ही वाटर है, और एक यहाँ पे एक ही बार था, यहाँ पे एक और को बाहर कर दिया, 2 वाटर। तो एक्सचेंज किसके साथ हो रहा है, काउंटर आयन और जो वाटर एज ए लिगेंड है उसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ भी रिलेशन क्या होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का। क्लियर है यहाँ पे, स्पेशल केस आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, बस यहाँ पे वाटर एक्सचेंज होता है काउंटर आयन के साथ। नेक्स्ट है, ये भी सिंपल था, इसमें कुछ अलग से फिर नहीं रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में देखना था कि लिंकेज नाम से क्लियर है यहाँ पे, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए लिगेंड्स कौन सा होना चाहिए, कुछ याद हो यहाँ पे? एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट सही है, बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्सेस है एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, इस कॉम्प्लेक्सेस हैव एम्बेडेंटेड लिगेंड्स, देन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व। यहाँ पे क्लियरली लिख लोगे, यहाँ पे पूरा अंडरस्टूड है, इस कॉम्प्लेक्सेस हैव एम्बेडेंटेड लिगेंड्स देन कंपाउंड्स सो लिंकेड आइसोमेरिज्म। सो लिंकेड आइसोमेरिज्म अब इसका यहाँ पे कौन कौन सा था, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी एम्बिडेंट लिगेंड्स पढ़ रखे हैं, आप डायरेक्टली कुछ एग्जांपल से बताओ। अगर यहाँ पे CONH3 6, तो 5 करो, 1 NO2 को यहाँ पे ऐड करो, NO2 SO4 एंड CONH3 ONO SO4, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे? सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे NO2 है, इसी का यहाँ पे वो NO कर दिया गया है। यहाँ पे जो लिंक होगा सेंट्रल मेटल के साथ वो नाइट्रोजन है, और यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल से कनेक्टेड होगा वो क्या रहेगा, ऑक्सीजन। देखो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे, लिंकेज। या इसमें एक क्वेश्चन, या तो एक ये रिलेशन पूछा जाता है, या चार ऑप्शन गिवन होगा वहां पे, चार ऑप्शन जब गिवन होगा उसमें पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है वहां पे एज ए लिगेंड, क्या देखने, कौन कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो, NO2 साइनाइड हो वहां पे, या फिर क्या हो
SCN, या इसका दूसरा वाला फॉर्म हो सकता है ONO, NO2, ONO, NC या फिर NCS। कॉम्प्लेक्स में अगर या NO2 प्रेजेंट हो तो इसका एक दूसरा फॉर्म आएगा जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स वो लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसमें एज ए लिगेंड क्या चेक करना होगा, NO2 है, CN है या SCN है, या इसका दूसरा वाला फॉर्म भी रह सकता है ONO, NC या NCS। ये अगर प्रेजेंट है एज ए लिगेंड यहाँ पे, वो क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है यहाँ पे, जो कि मैंने एक एग्जांपल लेकर के बताया है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल की जरूरत है नहीं, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे कि एज ए लिगेंड NO2, CN और SCN प्रेजेंट है या इसका दूसरा फॉर्म, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है कंप्लीट। इसको यहाँ पे बस नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैं एग्जांपल में लूंगा, क्या करूंगा इसमें, CN फिर NC दे दूंगा, SCN या NCS वो सेम है वहां पे, इतना कर सकते हो तुम लोग। फोर्थ है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ वन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और देखोगे मैंने प्रॉपर टाइम दे करके, जैसे कि रिपीटर बेच में थोड़ा फास्ट भी होता है, बट मैंने बिल्कुल 11th की तरह तुम लोगों को ये पूरा क्वार्टर कंपाउंड इवन के बॉन्डिंग भी वो तरह से पढ़ाती है। जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है स्पेशली MR के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट आता है ये तीनों पार्ट, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक का मेन पार्ट है यही तीनों चैप्टर है। बाकी तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें से 15 क्वेश्चन अगर आ रहा है, इसमें से 5 क्वेश्चन वहां से रहता है। इवन 2018 में चार चार क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से। 2020 में एक ही दो क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए जब अगर एग्जाम होगा। जैसे कि एडवांस का डेट 3 जुलाई को होने वाला था, जो JEE के लोग हो वो डेट आगे बढ़ गया है, बाकी लोग उम्मीद करना कि नीट टाइम पे हो, बाकी आगे अगर बढ़ता है हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर आना होगा। तो जैसा भी सिचुएशन होगा, अभी तो जैसा जो डेट है अपने को पता कि अगस्त में है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी डेट बढ़ता है तो फिर जैसा होगा देखा जाएगा उसका। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फोर्थ है इसका। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये और भी सिंपल है, ये क्या होगा, इट इज शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस, इट इज शोन बाय कॉम्प्लेक्सेस बाय कॉम्प्लेक्सेस व्हिच हैव बोथ कैटायन एंड एनायन, व्हिच हैव बोथ कैटायन एंड एनायन। एज कॉम्प्लेक्स आयन, एज ए कॉम्प्लेक्स आयन, इट अराइजेज व्हेन लिगेंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द आयन, इट अराइजेज व्हेन लिगेंड्स आर एक्सचेंज When ligands are exchanged between the ions, इसके एग्जाम्पल ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या होगा, लोग इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़े थे कि केटाइन और एनायन दोनों क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो। देखिए CO NH3 O6, और दूसरा यहाँ पे आ रहा हो CrCN O6। यहाँ पे ये भी क्या है, केटाइन और ये एनायन, ये भी कॉम्प्लेक्स और ये भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है यहाँ पे, दोनों कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें जो रिलेशन पूछा जाएगा इसका CrNH3 6,
और यहाँ पे क्या हो सी ओ सी एन फोर सिक्स। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है, ये एक कॉम्प्लेक्स है और एक ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, इसका कि दोनों पार्ट केटन और एनायन दोनों क्या है कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोबाल्ट के साथ एनएच थ्री था और यहाँ पे साइनाइड के साथ क्रोमियम के साथ साइनाइड था, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे जो क्रोमियम के साथ साइनाइड था और वो क्रोमियम के साथ क्या जाता है यहाँ पे एनएच थ्री और कोबाल्ट के साथ सीएल चला गया। यहाँ पे जो लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल सा है, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सी ओ एन एच थ्री सिक्स सी आर एस सी एन सिक्स एंड सी आर एन एच थ्री फोर, ध्यान से देखना है इसको यहाँ पे सी आर एन एच थ्री फोर एस सी एन ट्वाइस एंड सी ओ एंड सी ओ एन एच थ्री ट्वाइस एस सी एन होल फोर। अब यहाँ पे देखना है कि चेंज क्या हुआ इस केस में, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ सिक्स अमाइन आ रहा है एज ए लिगेंड अमोनिया और यहाँ पे एस सी एन क्रोमियम के साथ। अब जो क्रोमियम का दो एस सी एन था, यहाँ पे देखो इस केस में एन एच थ्री फोर, देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या आ रहा है इस केस में, दो ही एन एच थ्री बचा, दैट मीन्स इसका चार एन एच थ्री जो कोबाल्ट का था वो कहाँ पे आ गया इसके साथ, और एससीएन का जो सिक्स आ रहा था यहाँ पे वो कहाँ पे चला गया क्रोमियम के साथ, दो ही रहा और चार जो एससीएन है वो किसके पास चला गया कोबाल्ट के पास। इसमें सारे लिगेंड्स का एक्सचेंज हो सकता है दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में, या दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में यहाँ पे दो दो लिगेंड्स का भी एक्सचेंज हो सकता है, या एक एक जो भी हो। तो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बीच में अगर लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है उसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा वहां पे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहाँ पे है, मैंने दो दो एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे जो कुछ लिगेंड, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में सारे लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दिया गया था कोऑर्डिनेशन पेयर में, अब यहाँ पे कुछ को एक्सचेंज कर रहे हैं कुछ को एलटी रहने दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमियम के साथ सिक्स एस सी एन है तो दो को रहने दिए चार को एक्सचेंज कर दिए, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे है, ये हमारा आ रहा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रियो आइसोमेरिज्म, वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था स्ट्रियो आइसोमेरिज्म। इसमें मेनली क्या रहा था यहाँ पे चार आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन हाइड्रेट लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, बाकी ये सिंपल सा पार्ट है। सर इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज नहीं कर सकते? नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना भी मैंने रखा है वो सेम रहा, दैट मींस कनेक्टिविटी सेम हो वहां पे, जितना आइटम कनेक्टेड उतना कनेक्टिविटी सेम रहे। ये कनेक्टिविटी जो होगा वो डिफर करे बट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वो सेम रहे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर दो एक में चार एक में सिक्स तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही उसका एग्जिट नहीं आ पाएगा वहां पे, या कॉम्प्लेक्स का जो ज्योमेट्री वही चेंज हो तो वो चेंज नहीं करना अपने को, दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रखना है। चाहे कोई भी जितना भी मैंने इवन इसमें क्या पीछे का भी जितना एग्जांपल मैंने लिया हुआ है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो सिक्स ही, अगर फोर है तो फोर ही रहेगा। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है बट उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं वहां पे, जो पॉलीमराइजेशन आइसोमर होता है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस होता है वहां पे, उसको अलग से ना तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना तो और कहीं जनरली दिया रहता है, तो उसका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं रहता वहां पे।
और पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म को ट्रू आइसोमेरिज्म बोलते भी नहीं है वहां पे, उसको अलग से फिर देखने की जरूरत नहीं है वहां पर। नेक्स्ट है इसमें, क्योंकि जो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होता है उसका इंपेरिकल फार्मूला सेम होता है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है, तो उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है इसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म, वैसे एक टॉपिक और भी था उसको चलो हम लास्ट में देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, उसको लास्ट में देख लेंगे। स्टीरियोआइसोमेरिज्म अब स्टीरियोआइसोमेरिज्म की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले वहां पे कन्फिग्रेशनल कन्फॉर्मेशनल, बट यहाँ पे लोगों क्या पढ़ना है कन्फिग्रेशनल वाला पार्ट ही, और उसमें क्या रहेगा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल का। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और इसमें भी पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर फोर। और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर आ रहा है तो कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉसिबल था इसमें, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में जो पहले वो देखेंगे वो रहेगा टेट्राहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर फोर किसी कॉम्प्लेक्स का और उसमें टेट्राहेड्रल आ रहा है, उसका ज्योमेट्री आ रहा हो उस केस में ज्योमेट्रिकल चेक करना है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एम L1, L2, L3 और ये क्या रहा L4। तो टेट्राहेड्रल का केस है, इसमें हर एक के बीच में चाहे वो L1, L2 हो, L1, L4 हो, L1, L3 भी हो, कोई भी हो, यहाँ पे टूडी में वो दिखा रहा है, बट हर एक के बीच का एंगल क्या रहेगा यहाँ पे 109.5। टेट्राहेड्रल का केस है यहाँ पे है। अब देखना है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा या नहीं होगा। फिर तो इसका कोई डिफिनेशन बता सकते हो, कोई भी एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन क्या था, डिफिनेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म अनम्यूट करके बताओ कोई एक। कोई तो एक बताओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन जो कि मैं ऑर्गेनिक में पढ़े हुए थे। कुछ भी बताओ जैसा है प्रॉपर लैंग्वेज में, कुछ तो पता है इसमें कैसे चेक करते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म है तो उसका डिफिनेशन ये पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि डिफिनेशन ही दे दिया जाए एग्जाम में या स्टेटमेंट तो कैसे करोगे फिर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला अरेंजमेंट सही है बिल्कुल, बस इतना ही तो बताना था कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर दैट मीन्स कनेक्टिविटी सेम होगी, डिफरेंट क्या होगा स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल ओरिएंटेशन, ये स्पेशियल ओरिएंटेशन अरेंजमेंट बोलो या ओरिएंटेशन सही है। तो डेफिनेशन इसका सिंपल सा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट या डिफरेंट स्पेशियल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे देखना है कि जब स्टीरियोआइसोमेरिज्म का ही पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्पेशियल ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए वहां पे। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या था कि जिस दो रिजिड पार्ट के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वहां पे दो पार्टिकुलर ग्रुप, दो पार्टिकुलर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए वहां पे, या कंडीशन मैंने ज्योमेट्रिकल स्टेप से बताया हुआ था, इस एंड पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और इस एंड पे भी दोनों ग्रुप क्या हो डिफरेंट हो यहाँ पे, या फिर किसी भी दो पार्टिकुलर ग्रुप के बीच का डिस्टेंस वो अलग अलग आ रहा हो वहां पे, जो कि ऑर्गेनिक का डिफिनेशन था। यहाँ पर वही देखना है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये अरेंजमेंट है यहाँ पे, अभी L1 L2 के बीच का एंगल क्या था 109.5 हर एक के बीच का। अब मान लो कि इसमें कुछ अगर लोग चेंज करने का कोशिश करते हैं, ये L4 हो यहाँ पे नीचे क्या आ जाए तुम्हारा L3, देख लो उसके बाद नोट करोगे L2 और ये L1, अभी भी L1 और L4 के बीच का एंगल क्या होगा 109.5, इसको और भी चेंज करो रेंडमली यहाँ पे,
स्कोर, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस केस में, कुछ भी चेंज करो इसमें, L2 हो या L4 हो यहाँ पे। अब यहाँ पे L1 L3 के बीच का एंगल क्या था फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, सोच के बताओ कि L1 L3 के बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 सही है, 109.5। इसमें सोचना क्या है, सब लोग बता सकते हो 109.5। यहाँ पर भी L1 और L3 के बीच का एंगल 109.5, 3D में सोचना है, मैं 2D में ड्रॉ किया हुआ। दैट मींस लिगेंड्स को कितना भी चेंज करो, कितना भी डिफरेंट अरेंजमेंट रखने का कोशिश करो, स्पेशल अरेंजमेंट अगर डिफर करोगे फिर भी वो सेमी कंपाउंड रहता है, उसका अरेंजमेंट डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर हम एक पॉइंट बताते हैं कि ऑल फोर पोजिशन आर इक्विवेलेंट, जो टेट्राहेड्रल का L1, L2, L3, L4 है इसमें क्या होता है ऑल फोर पोजिशन आर, ऑल फोर पोजिशन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ऑल फोर पोजिशन आर इक्विवेलेंट, ये आइडेंटिकल बोल सकते हैं यहाँ पे। और जब सारा पोजिशन इक्विवेलेंट ही आ गया, लिगेंड्स को कहीं भी चेंज करो वो सेमी अरेंजमेंट का कंपाउंड बनता है, इसका डिफरेंट कोई नया ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता है इसके अलावा। दैट मीन्स ये इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये भी नया नहीं बन पा रहा, वो भी सेम है पहले की तरह, बॉन्डिंग अभी भी सारे लिगेंड्स के बीच का करेगा सेम। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर फोर और टेट्राहेड्रल का केस है, सारा पोजिशन इक्विवेलेंट होने के चलते कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं उसको कर पाएगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं कर पाता यहाँ पे। हाँ बताओ सर। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे L1 और L3 के बीच में तो 180 डिग्री बन रहा है ना एंगल। नहीं L1 L3 वेट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, से मैंने एग्जांपल उसी टाइप का दूसरा वाला लिया था, दिखने में लग रहा है कि L1 L3 क्या है यहाँ पे 180, बट एक्चुअल में वो क्या रहा था वहाँ पे, एक्चुअल में अगर देखना चाहोगे वहाँ पे तुम खुद चार पेन लो, मेरे पास अभी यहाँ पे चार पेन है भी नहीं जो कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ यहाँ पे है, इसके जो बीच का एंगल होता है यहाँ पे है कुछ इस तरीके का रहता है यहाँ पे, एक मिनट इसको 3D में सोचोगे यहाँ पे है, ऐसे मैं दिखा पाऊँ तो मैं यहाँ पे है देखो, अगर इस तरीके से सोचोगे इसमें यहाँ पे है एक एक ये डायग्राम है कुछ दिख पा रहा है यहाँ पे, ऐसे क्लासरूम रहा तो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे इस टाइप का है, यहाँ पे थ्री पेन और एक पेन मान लो कि ऊपर इस टाइप से रखा गया, अगर यहाँ पे है ये क्या होगा, हर एक के बीच का एंगल 3D में सोचना है वो 109.5 ही होता है वहाँ पे, तो हर एक के बीच का एंगल क्या होगा 109.5। इसमें ये नहीं सोचना है कि L1 L3 बिल्कुल, ये टेट्राहेड्रल आता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल हर एक के बीच का एंगल क्या रहेगा तुम्हारा 109.5, किसी भी दो लिगेंड्स के बीच का देखोगे। जब भी टेट्राहेड्रल आ रहा है वहां पे है, इस तरीके से हम लोग सोच पाएंगे वहां पर। इसको 2D में नहीं सोचने, 2D में सोचेंगे तभी वो लगेगा कि L1 L3 के बीच का 180 आ रहा है। इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी बात कर लेते हैं अगर साथ में, कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेट नंबर 4 है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा, और शो करेगा तो वो किस कंडीशन में शो करेगा वहां पे, यहाँ पे देखना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में एक पॉइंट नीचे लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ OI, if या only if all four ligands are different, all four ligands are different, चारों ligands अगर different आ रहा तभी वो optical isomerism शो कर पाएगा। क्योंकि कोई भी इस टाइप का आ रहा हो जैसे यहाँ पे L1, L2, L3, L4 ये चारों different होगा तो फिर वो optical isomerism शो कर पाएगा।
क्यों ऐसा कंडीशन लगा रहे हैं, एक भी मान लो कि अगर सेम हो गया, एक क्या यहाँ पे एल वन एल वन एल टू और ये एल थ्री, ये एल वन को मैंने सेम कर दिया, ये जो आ रहा है यहाँ पे कंपाउंड, ये क्यों शो नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो पाता, इसका रीजन क्या है कुछ सोचो यहाँ पे। ये जो बाद वाला मैंने कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है यहाँ पे, क्या रीजन है इसका? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। सही है, किसके अलोंग प्लेन मानोगे यहाँ पे वो भी बता दो। L1, M, L1. नहीं, प्लेन कौन सा मानोगे इसमें? L2, M, L3. सही है बिल्कुल, प्लेन जो मानना है जिसके अलोंग कट करोगे। अब इस L3 को कहाँ पे सोचो, ये तो परपेंडिकुलर है, ये 2D में ही नहीं, इसमें जो प्लेन मानोगे L2, M और L3 को प्लेन मानते हुए ऊपर से कट करोगे, इसमें होगा क्या कि L3, M, L2 वो प्लेन में ही लाइक कर जाएगा, जिस प्लेन को तो कट प्लेन मानते हुए कट कर रहे हो, बच गया तुम्हारा L1 और L2, इस L1 का मिरर इमेज इधर L1 दिख जाएगा यहाँ पे, तो प्लेन किसको मानोगे यहाँ पे है L2, M, L3 को प्लेन मानते हुए कट करोगे, वो L2, M, L3 प्लेन में ही लाइक कर जाएगा, बच गया ये L1 और इस L1 का मिरर इमेज में इधर दिख जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है यहाँ पे, जिसके चलते ये मॉलिक्यूल क्या हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव और अकायरल आ जाता है, जबकि यहाँ पे अगर चारों डिफरेंट हो गया, चारों डिफरेंट हो गया ये कायरल सेंटर की तरह सोच सकते हो, जो मेटल है वो कायरल सेंटर बन गया, चारों डिफरेंट है एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, ये चारों जब डिफरेंट होगा उस कंडीशन में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका साथ में एक इनांसुमर पेयर भी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसका एक मिरर इमेज वाला जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे है उसके साथ रिलेशन क्या हो जाएगा इसका इनांसुमर पेयर इनांसुमर। ये कंडीशन मैंने क्यों लगाया था क्लियर है यहाँ पे, किस कंडीशन में ये शो कर पाएगा इफ ऑल फोर लिगेंड्स आर डिफरेंट, एक भी सेम हो गया तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, बाकी और ज्यादा सेम होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा ही मिलेगा, तो टेट्राहेड्रल के केस में क्वाड्रेंट नंबर फोर में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कभी भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता, एक ही कंडीशन में शो करेगा जब चारों लिगेंड्स क्या उसका उस कॉम्प्लेक्स का डिफरेंट हो वहां पे, तभी वो शो कर पाएगा वहां पे। क्लियर है यहाँ पे अभी है? नेक्स्ट केस आप हाँ बताओ। बताओ फिर डॉट है कि नहीं का। चलो ठीक है डॉट ने फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सेकंड केस है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर का ही इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो सेकंड केस है इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स केस में। यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से देखना कि चारों लिगेंड डिफरेंट है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर फोर एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे देखना है इस केस में कि सबसे पहले हम साथ में देखते जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल का। यहाँ पर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है L1, यहाँ पे एक प्लेनर है मतलब एक प्लेन में आ रहा है L1, L2, L3, L4। सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें यहाँ पे, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, दैट मीन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है उसका कम से कम एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा वहां पे कंपाउंड। यहाँ पे देखना है ये जो पार्ट ये क्या होगा यहाँ पे, ये तो स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में आ रहा है और कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है उन्हें प्लेन ऑफ सिमेट्री में बताया हुआ है कि कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और वो किस टाइप का प्लेन मानेंगे, किसको प्लेन मानेंगे हम लोग वहां पे, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन या अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग ही कट कर दो यहाँ पे। सही है,
इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा वो कैसा रहता है अलोंग द प्लेन। इवन यहाँ पे चारों लिगेंड्स डिफरेंट भी हो तो प्लेन के प्लेनर मॉलिक्यूल अलोंग द प्लेन कट करेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। यहाँ पे लिखो इस टाइप से ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री। और वो किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा अलोंग द प्लेन, और जब अलोंग द प्लेन आ रहा है इस केस में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं करेगा, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये भी क्लियर हो गया कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट केस आता है इसमें ज्योमेट्रिकल चेक करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्योंकि ऑप्टिकल तो क्लियर हुई है तो ही नहीं करेगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बनेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अब यहाँ पे जो लिगेंड्स है ये प्लेन में आ रहा है, अभी L1 L2 क्या आ रहा है सेम साइड आ रहा है 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। अब इसी L2 को इधर ला दोगे L3 के जगह, ये L1 L2 का डिस्टेंस अभी क्या होगा यहाँ पे है मान लो कि D1 है और इस L2 को फिर इधर ले आएंगे यहाँ पे और L3 को इधर, तो जब L2 इधर आ जाएगा तो L1 L2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे L1 हो L2 इधर आ जाए L3 और L4, यहाँ पे L1 L2 का डिस्टेंस क्या था D1 और यहाँ पे जो L1 L2 का डिस्टेंस अगर आएगा इस केस में वो D2, ये D1 D2 इक्वल होगा या नॉट इक्वल? नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि प्लेन में ही आ रहा, प्लेन में ये स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का ये साइड आ रहा है D1 और ये डायगोनल आ रहा है तो डायगोनल का डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा तो D1 D2 नॉट इक्वल, दैट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा यहाँ पे। और जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है इसका डिफरेंट डिफरेंट केस आता है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आज सारा केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा टाइम भी हो रहा है। तो मेन पार्ट डिस्ट्रिक्ट आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट क्लास जो अगला क्लास है कल के लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा ये जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो फिर हम लोग सैटरडे को भी देख पाएंगे, बट सैटरडे को हम लोग कुछ डिस्कस भी करेंगे कम से कम स्टार्टिंग का जो सेक्शन है। मुझे मेरे पास अभी मॉडल नहीं है सामने, अब तो हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का सेक्शन छोड़ के सारा सेक्शन कर सकते हो, हिस्ट्री आइसोमेरिज्म एंड मेटल कार्बोनिल वो दो सेक्शन छोड़ना और एक्सरसाइज वन का सारा सेक्शन कम्प्लीट करना। बाकी जी आर के जो लोग उसको भी मैं कोशिश करूंगा, कंबाइंड लेक्चर लग रखा है बट डिफरेंट करके या दूसरे टाइम में रख के उसको भी डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो सारा कुछ सभी पेज पढ़ा हुआ यहाँ पे बोर्ड पे ही पूछ सकते हो यहाँ पे, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो। ये होना चाहिए देखिए जो भी मेडिकल या जेई के हो जैसे चैप्टर खत्म हुआ चैप्टर हो रहा है तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाते रहे, जहाँ से हो डीपीपी भी मिला हुआ सब लोगों को, मैं डीपीपी डिस्कस नहीं करना बट अगर मिला है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करना है और डाउट पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो। डाउट आ जाता है एक दो डाउट है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, मैं कोशिश करूँ रिप्लाई करूँ वहाँ पे भी या फिर यहाँ पर भी पूछो। सर ठीक है, हाँ बताओ। सर आप अगर आपने पूछा तो किसी संडे को एक्स्ट्रा डाउट क्लास ले सकेंगे क्या शाम को या दोपहर को? बिल्कुल बिल्कुल संडे को, से कि संडे को भी होगा एक्स्ट्रा क्लास में ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर, कभी मैं देखता हूँ अगर जैसे मैंने बताया कि अगर सैटरडे को क्योंकि एमआर वालों का तो टेस्ट है संडे को उनका तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो उसका सैटरडे को रखता हूँ, बाकी संडे को जब अगर उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो संडे को भी हम लोग मैं भी फ्री रहता हूँ संडे को एक आध क्लास को रख ही सकते हैं कम से कम एक घंटे का डिस्कशन लेक्चर। चलो ठीक है, अभी मैं सेशन एंड करता हूँ अभी यहाँ पे।
और कहीं भी कोई डॉट रहता है यहाँ पे सर ने क्या बताया तो दोबारा से रिकॉर्डिंग वहाँ पे रहता है अवेलेबल, जाके देख सकते हो।